सो गाइस, आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में आपके मसल बिल्ड के बारे में। आपको साइज बढ़ाना है, हर इंसान चाहता है, हर बंदा चाहता है कि आपका मसल का साइज बढ़ जाए, आपके जो शोल्डर है ब्रॉड हो जाए। तो गाइस, उसके लिए क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे अपना आप मसल का साइज बढ़ाएंगे, क्या गलतियां कर रहे हैं, वो गलती नहीं करनी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, आपको हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। चलिए शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोहेल फिटनेस में। गाइस, तो गाइस बात करते हैं आपके मसल बिल्ड की। तो सारे लोगों का कमेंट ये था, मसल्स गेन करना है, साइज बढ़ाना है, क्या करें, कैसे वर्कआउट करें, कोई शेड्यूल भेज दीजिए सर। तो गाइस, शेड्यूल ये है आपके लिए कि जो आप गलती कर रहे हो, जो भी आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो या जिम में वर्कआउट कर रहे हो, 15-12-10 रेपिटेशन करते हो हमेशा। मैंने मोस्टली देखा है लोगों को 15-12-10। तो गाइस, ये गलती नहीं करनी है आपको। मैं आपको बता देता हूँ, एक तो एक्सरसाइज कैसे करनी है और आपको डाइट क्या लेनी है, मैं उसके बारे में बात करूँगा बाद में। तो एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूँ। तो गाइस, आपको 15-12-10 रेपिटेशन नहीं लगाने हैं, वो एक्चुअली आपको हैबिट हो चुकी है आपकी बॉडी को, आप इजिली आप लगा रहे हो। जो अपनी स्ट्रेंथ है बॉडी की, जो आपकी पावर है, वो आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आपको 15 लगाने हैं, फिर 12 लगाने हैं, फिर 10 लगाने हैं, और रिलैक्स बॉडी को भी ज़्यादा टेंशन ही नहीं मिला बॉडी को, जो मसल्स पे जो प्रेशर पड़ना चाहिए, जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, वो हुआ ही नहीं उसके अंदर। तो वो ग्रो कैसे करेगी जब वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होगा मसल्स, तो ग्रो कैसे करेगा। तो मसल ब्रेक डाउन कैसे होगा, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। गाइस, पहला सेट आप जो करेंगे, जो वार्म अप सेट किसी भी एक्सरसाइज का, चेस्ट एक्सरसाइज का सेट कर रहे हो, तो अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, तो पहला आपको सेट करना है 20 रेपिटेशन लाइट वेट से, वार्म अप करने के बाद बोल रहा हूँ। वार्म अप करने के बाद 20 रेपिटेशन आप लगाएंगे बेंच प्रेस लाइट वेट से, जितना आप लगा सकते हैं 20। उसके बाद आप करेंगे 12-10-8, ये तीन सेट करने हैं। 12 का आपको थोड़ा हैवी करना है, फिर 10 को और वेट बढ़ाना है, 8 करना है 6-8, यानी 8 तो करना है। अगर 8 नहीं कर पाते हो, 6-7 करते हो, पर वजन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि आपकी मसल्स पे थोड़ा टेंशन मिले, उसको थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, यानी उस पर प्रेशर पड़ना चाहिए। ऐसे ही आपको दूसरे वर्कआउट में करना है। अगर आप कुछ इंक्लाइन डंबल लगाना है, या फिर डिक्लाइन बेंच लगानी है, इंक्लाइन बेंच लगानी है, तो वार्म अप सेट आप रहेगा 20 का, फिर आप करेंगे 12-10-8, ये चार सेट कर रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज के। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपकी बॉडी ग्रो करेगी, पर आपको डाइट अच्छी लेनी है। एक्सरसाइज का काम है आपकी बॉडी को अच्छे से ब्रेक डाउन, आपके मसल्स जो टिश्यू आपने ब्रेक किए हैं, वो अच्छे से आपने वर्कआउट किया। अब काम बाहर का है, जिम के अंदर 30% 70% ग्रो करनी है, वेट कम करना है, वेट ज़्यादा करना है, सारा काम जिम के बाहर। तो अब आपको डाइट लेनी है। जितना भी वेट आपका है, मैं आपको बोल रहा हूँ आप कितने वेट के हैं वो आपको पता होगा, तो डबल प्रोटीन लेना है। यानी अगर आप 60 केजी के हैं, तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। ये ध्यान रखें, डेली 120 ग्राम। अब वो कैसे कंज्यूम करना है, अगर आप एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कैसे वो किस किस फूड से लिया जा सके। अगर वे प्रोटीन लेते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल वे प्रोटीन भी नहीं लेना चाहते, तो आपको डाइट से आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप राजमा ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्स हैं जो वेट बढ़ाने के लिए, आपको मसल लीन मसल मास गेन करने के लिए फूड है। उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आपको, कौन कौन से आप फूड ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, ऐसी वीडियोस इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। गाइस, ये थी मसल बिल्ड के बारे में, ये आपको करना है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। 1-2 महीने में आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपका साइज बढ़ेगा। बस आप फोकस रखें, कंटिन्यूसली जिम जाएं, स्किप ना करें, क्योंकि यार स्किप करोगे तो फिर बॉडी नहीं बनती यार सालों में भी। आप लगातार जिम करें, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपकी बॉडी बनेगी। और सोहेल फिटनेस आपके सपनों को सपोर्ट करता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।